हेलो एवरीवन। सो अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आज वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली देखो बेटा, हमारे पांच सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन हमारा क्या होता है, वोकैबुलरी। देन वी हैव ग्रामर, रीडिंग एंड स्किमिंग, क्वेश्चन सॉल्विंग एंड स्ट्रैटेजीज एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम एक एक सेक्शन को कैसे लेके चलें जिससे कि हमारे सारे सेक्शंस बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएं। आई होप सभी लोगों ने अभी IBPS PO का रिजल्ट आया, SBI PO का रिजल्ट आया, आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों के स्कोर कार्ड्स भी देखे होंगे। इंग्लिश सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट था, सबसे ज्यादा मार्क्स इंग्लिश में ही आए थे स्टूडेंट्स के। वैसे जनरली देखा जाए तो इंग्लिश और GA दोनों ही सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट्स पर तो नंबर एक जैसे आते हैं सभी स्टूडेंट्स के। तो इस सेक्शन को कैसे हमें स्ट्रांग बनाना है, आइए उस चीज को डिस्कस करते हैं। राइट, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता होती है कि अगर आप क्लर्क एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्री में इंग्लिश मिलेगा, मेंस में इंग्लिश मिलेगा। प्री में 30 मार्क्स का मिलेगा, मेंस में 40 मार्क्स का मिलेगा। लेकिन अगर आप PO एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, IBPS PO की, SBI PO की, तो आपको मेंस में ऑब्जेक्टिव के साथ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी मिलता है। तो 25 मार्क्स का होता है जनरली, कभी कभी 50 मार्क्स का भी होता है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप आपके PO एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। तो एक एक करके हम सारे सेक्शंस को के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले वोकैबुलरी। देखो वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो समझ में ही नहीं आएगा पैसेज में क्या लिखा हुआ है। प्लस वोकैब के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, क्लोज टेस्ट में वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिलर्स वाले क्वेश्चन में वोकैबुलरी का आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दो तीन चीजें करनी है आपको वोकैबुलरी के लिए। सबसे पहली चीज तो एक हैबिट बना लो कि आप हिंदू एडिटोरियल के 10 वर्ड्स एवरी डे पढ़ोगे ही पढ़ोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मंथली मैगजीन जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ हिंदू वोकैबुलरी की, उससे रिविजन करोगे। तो रोज 10 वर्ड्स मैं एडिटोरियल में आपको पढ़ाती भी हूँ, वहां से पढ़ लो। और मंथली मैगजीन जो शेयर हो रही है उससे रेगुलरली रिविजन करो। दूसरी चीज, अगर वो कैब प्रोडिजी की बुक है आपके पास तो इसको 20 से 25 मिनट रोज पढ़ो। मैंने एक वीडियो में पूरा बताया हुआ है कि वो कैब प्रोडिजी आपको कैसे पढ़नी है, उस वीडियो का मैं लिंक भी लगा दूंगी इस डिस्क्रिप्शन में। तो मेक श्योर करो कि वोकैबुलरी के लिए रोज रोज आप ये चीजें करो। बात आती है दूसरी चीज की जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, एंड दैट इज ग्रामर। देखो ग्रामर का ना बहुत ज्यादा रोल नहीं है बैंकिंग एग्जाम्स में। अगर आप हफ्ते में 2 घंटे भी ग्रामर को देते हो तो मोर देन सफिशियंट है। अगर मैं आपको टॉपिक्स बताऊं कि ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उनका क्या रोल है, मतलब मैंने यहाँ पे टॉपिक्स ना आपके सीक्वेंस वाइज अरेंज किए हुए हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, वो मैंने ऊपर रखा है। तो टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, हमारे सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंडीशनल सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपकी ग्रामर बहुत कमजोर है तो आपको ये सारे टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत है। ये आप कहाँ से पढ़ सकते हो, मेरा इसी चैनल पे एक 50 आवर फाउंडेशन कोर्स है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आप लोगों को इसके अभी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। तो वहां से आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो। नहीं तो अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो वहां पे भी एक मेरा कंप्लीट प्लस का कोर्स है ग्रामर का, आप वो पूरा कोर्स भी देख सकते हो। तो आपको इस सारे टॉपिक्स की बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल नॉलेज हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी ग्रामर ठीक ठाक है तो आप सिर्फ और सिर्फ दो चीजें करो ग्रामर वाले पार्ट के लिए, क्योंकि प्री में भी 5 नंबर का एरर डिटेक्शन आएगा, मेंस में भी 5 नंबर का एरर डिटेक्शन आएगा। तो आप क्या करो, सिर्फ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लो। और इसी चैनल पे मैंने एक 8 घंटे की एरर डिटेक्शन की पूरी वीडियो अपलोड की हुई है, 8 आवर्स की, जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस करे हैं हमने, उसको देख लो। ये दो चीजें कर लो, मोर देन सफिशियंट है ग्रामर पार्ट के लिए। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो देख लो, पूरी की पूरी इसी चैनल पर है। और 8 घंटे की जो एरर डिटेक्शन की पूरी मैराथन क्लास है उसको देख लो, ग्रामर बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये था ग्रामर का पार्ट। इसके बाद बात करते हैं तीसरे पार्ट की, एंड दैट इज रीडिंग एंड स्किमिंग। हमें एक हैबिट बनानी है कि हम रोज सुबह एक आर्टिकल रीड करें हिंदू एडिटोरियल में से, और एक आर्टिकल हम स्किम करें। तो आप एडिटोरियल उठाओ, कोई भी आर्टिकल रीड कर सकते हो, कोई भी आर्टिकल स्किम कर सकते हो। खुद से नहीं कर पा रहे हो तो मेरी रोज सुबह 7 बजे एडिटोरियल एनालिसिस करके यूट्यूब चैनल है, उस पर एक क्लास भी होती है जहाँ पे मैं आपको सबसे पहले वो वोकैबुलरी करवाती हूँ, फिर एक आर्टिकल हम रीड करते हैं, एक आर्टिकल हम स्किम करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। 45 मिनट्स का सेशन होता है तो तीनों के तीनों चीज़ें यहाँ पे आपकी कवर हो जाएंगी इसमें। फिर इसके बाद अगला सेक्शन आता है जो कि सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो एरर डिटेक्शन 5 मार्क्स का आएगा, वोकैबुलरी जो सीखोगे वो सब यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। और वो कौन सा पार्ट है आपका, क्वेश्चन सॉल्विंग एंड स्ट्रैटेजीज। सबसे पहली चीज़ तो इस चीज़ को मेक श्योर करना कि आपको ना इजी चीज़ों के पीछे नहीं भागना है।
कि आपको प्री लेवल के क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस नहीं करने हैं. आपको जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो डे वन से ही परफेक्शन लेवल के करने हैं. परफेक्शन लेवल के क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, इन सब का मिक्स करके क्वेश्चन बनाओ, उसको सॉल्व करो. वर्ड स्वैप, फ्रेज दी अरेंजमेंट, इन सब का मिक्स क्वेश्चन बनाओ, उसको सॉल्व करो. मतलब बेसिकली आप वही सारे क्वेश्चन सॉल्व करो जहां पे कहीं ना कहीं मिक्सचर हो. मिक्स्ड वाले कर लोगे तो सिंगल वाले बहुत आसानी से करना स्टार्ट कर दोगे. तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो. आपका टारगेट होना चाहिए कि एग्जाम से पहले पहले कम से कम मैं 1000 क्वेश्चंस तो परफेक्शन लेवल के हर हालत में सॉल्व कर ही कर लूं, चाहे कुछ भी हो जाए. ये क्वेश्चंस आपको कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो देखो, अगर आप अनअकैडमी में परफेक्शन बैच में एनरोल कर रखा है आपने, तो वहां तो मैं रोज 8:30 बजे आपको करवा ही रही हूँ क्वेश्चंस. अगर आप सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो और आप चाहते हो कि मैम फ्री क्लासेस ले लो, तो मैं एवरी वेंसडे और एवरी संडे आपकी फ्री क्लासेस भी ले रही हूँ. आप वहां से भी कर सकते हो, पर कोशिश करो कि अगर अफोर्ड कर पा रहे हो तो परफेक्शन वाले क्वेश्चंस को ही करो, रेगुलरली करो, 7 days a week करो. तो ये वाले क्वेश्चंस करोगे, एग्जाम के सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी लगेंगे. लेकिन अगर ईजी करोगे तो एग्जामिनेशन में डिफिकल्ट लगेगा. और ये मैं कमिटमेंट के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप परफेक्शन क्लासेस में रेगुलरली आ गए, 3 महीने भी रेगुलरली आ गए, तो एग्जामिनेशन में आपके 30+ marks मेंस में बहुत आसानी से आएंगे और 20+ pre में बहुत आसानी से आएंगे. बट उसके लिए रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी. अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, फ्री क्लासेस में भी नहीं आ पा रहे हो, तो परफेक्शन की बुक भी ले सकते हो. वहाँ पे मैंने 1000 questions आपको परफेक्शन लेवल के दिए हुए हैं. अगले सेक्शन की बात आती है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग देखो, PO के एग्जाम में आएगी और एक RBI ग्रेड बी के एग्जाम में आएगी. क्लर्क वाले एग्जाम में नहीं आएगी, RRB वाले एग्जाम्स में नहीं आएगी. तो यहाँ पे हिंदू के ही जो सेशन होता है ना रोज सुबह 7 बजे, उसमें मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करवाती हूँ. तो लास्ट में हम एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक पे पूरा का पूरा ऐसे लिखते हैं. वहाँ से भी हो सकता है, या फिर एक लेटर और एक ऐसे आप रेगुलरली रीड करने की हैबिट तो बना ही लो. तो आप गूगल पे सर्च करो कोई भी टॉपिक, उसका ऐसे और उसका लेटर आपको आसानी से मिल जाएगा, उसको पढ़ना स्टार्ट करो. अगर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बुक है मेरी वाली तो वहाँ से पढ़ लो, या फिर हिंदू में आ जाओ, हिंदू में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मैं करवा ही रही हूँ. तो यहाँ से आपकी सारी की सारी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कवर हो जाएगी. कम से कम एक मॉक टेस्ट दो हर हफ्ते, एवरी वीक, और उसको एनालाइज बहुत अच्छे से करो. वैसे सैटरडे संडे मैं आप लोगों को परफेक्शन की क्लास में मॉक टेस्ट ही करवाती हूँ, तो आप यहाँ पे भी आके मॉक टेस्ट दे सकते हो. आई होप सभी को क्लियर हुई स्ट्रैटेजी. मैम इंग्लिश को टाइम कितना देना है, तो देखो 45 मिनट्स आपके हो गए हिंदू एडिटोरियल के, 90 मिनट्स हो गए आपके परफेक्शन के, रोज के. ये दोनों चीज़ें तो मस्ट है, ये तो किसी हालत में नहीं छूटनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए. तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये दोनों की दोनों चीज़ें मस्ट हैं. इसके अलावा एडिशनल में अगर आपकी वोकैब वीक है तो वोकैब प्रोडिजी 20 से 25 मिनट हो गई, ग्रामर वीक है तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ोगे, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करोगे, ये एडिशनल है, ये आप कर सकते हो. बट इन दोनों को तो किसी भी हालत में आपको छोड़ना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, एक हैबिट बना लो. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पेशेंस रखो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन रखो, खूब सारी प्लानिंग करो, टू डू लिस्ट बनाओ, एक हैबिट बना लो 5 मिनट रोज मेडिटेशन करने की. ये सब चीज़ें करोगे तो सिलेक्शन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा. मेरी गुड विशेज आप सभी के साथ हैं, और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेके मुझसे मिलने आओ. यस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो परफेक्शन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है. गुड न्यूज़ ये है कि अनअकैडमी पे अभी 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, और 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाता है कॉइन्स की हेल्प से. तो अगर आप ये कोड लगाते हो, इस कोड को लिख लो, NIMISHA, तो इतना डिस्काउंट मिलेगा. और ये डिस्काउंट सिर्फ 30th of April तक है, मतलब कल रात 12 बजे तक की का ही है ये डिस्काउंट. तो मेक श्योर करो कि आप इस डिस्काउंट को ले लो और परफेक्शन की क्लासेस में रेगुलरली आओ. परफेक्शन की क्लासेस में रेगुलरली आओगे तो इंग्लिश की सारी टेंशन तो खत्म ही हो जाएगी. मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स लगा रही हूँ, सारे टेलीग्राम के चैनल के लिंक्स, सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है उसका लिंक, मैगजीन कहाँ पे मिलेगी उसका लिंक, 8 hours की कौन सी वीडियो है उसका लिंक, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की कौन सी वीडियो है उसका लिंक, 50 hour फाउंडेशन कोर्स का कौन सा पूरा का पूरा लिंक है, सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ. कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लेना. और मुझे आप सभी से वादा चाहिए, अभी के अभी सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक वादा करेंगे कि यस मैम वी आर रेडी फॉर द सिलेक्शन, हम तैयार हैं सिलेक्शन के लिए. जो जो लोग सच में तैयार हैं वही कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि हाँ जी मैम हम तैयार हैं सिलेक्शन के लिए.
हम सिलेक्शन लेंगे, आपका सिलेक्शन मेरा सिलेक्शन है, आपकी सक्सेस मेरी सक्सेस है, और मुझे इस साल सक्सेस चाहिए ही चाहिए।